अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत संबोधन करें। माननीय गृह मंत्री महोदय, असम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, गृह राज्य मंत्री, असम से आए हुए जनप्रतिनिधि और मेरे साथी लोग और 6 कर्बी ग्रुप्स के जो प्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आज इस सभा में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है कि कर्बी समाज की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत दिनों से, उसका कुछ समाधान हो रहा है। गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी आप लोगों के साथ, जिससे कि आज एक सेटलमेंट फाइनल हुआ है और आज उस पर सिग्नेचर किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इससे कर्बी आंगलोंग रीजन की डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी और वहां के सोशल कल्चरल लैंग्वेज इन सब चीजों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार फिर से इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करते हुए मैं इस सभा का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद महोदय। अब मैं कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री तुलीराम जी को आमंत्रित करता हूं संबोधन के लिए। थैंक यू सो मच। बिफोर डिलीवर माय स्पीच, आई वुड लाइक टू फेलिसिटेट गृहमंत्री जी अमित शाह। आदरणीय गृहमंत्री जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर MOS राय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑनरेबल MPs, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑनरेबल DGP, रेस्पेक्टेड एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट, होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेस्पेक्टेड एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट IB मिश्रा जी एंड ऑल सिग्नेटरीज प्रेजेंट हियर टुडे, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑन दिस हिस्ट्रिक डे द पीस अकॉर्ड इज बीइंग ए साइन। सो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कार्बी आंगलोंग, I pay my special thanks to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Home Minister Amit Shah ji, Honorable Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sarma ji, Honorable Cabinet Minister Sarbananda Sonowal ji and all officials signatories for making this event a great day. Adarani Gṛha Mantri ji Amit Shah ji, कार्बी आंगलोंग तरफ से दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आज हिस्ट्रिक पीस अकॉर्ड ऑफ मेरे तरफ से, कार्बी आंगलोंग तरफ से दिल से कोटि कोटि प्रणाम दे के कंक्लूड माय स्पीच। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो संबोधन करें। परम आदरणीय केंद्रीय गृहमंत्री और हमारे मार्गदर्शक अमित शाह जी, असम की माननीय मुख्यमंत्री परमादरणीय डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी, केंद्रीय सरकार की राज्य गृहमंत्री नित्यानंद राय जी, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर
तुलीराम रंगहांग जी और असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक सिंघाल जी, गृह सचिव भल्ला जी, आईबी की डायरेक्टर कुमार जी और असम की चीफ सेक्रेटरी बरुआ जी और डीजीपी महंत जी, बाकी नॉर्थ ईस्ट की विशेष दायित्व निभाने वाले एडिशनल सेक्रेटरी केंद्रीय सरकार की गृह विभाग की, और यहां उपस्थित कार्बी आलंग से आई हुई प्रमादरणीय अलग अलग संगठन की पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम देता हूं और विशेष रूप से देश की हमारी परम आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। कार्बी आलंग की जनता की तरफ से, असम की जनता की तरफ से, क्योंकि मैं भी असम का ही हूं, आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसके वजह से कार्बी आलंग में स्थायी शांति व्यवस्था लागू किया जाएगा और अगले दिनों में कार्बी आलंग को असम के अलग अलग प्रांतों के जैसे और देश के अलग अलग प्रांतों के जैसे प्रगति की राष्ट्रीय पर जोर से आगे बढ़ाने का आप काम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माहौल बनाए। इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, साथ में देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों में मिलकर पिछले दिनों में सिर्फ असम में ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था आपने लागू किया, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट आपके कार्यकाल में ही प्रगति की दिशा पर जोर से चलने में सफल हुए हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट आज अलग सा पहचान देश के अंदर बना पाया, इसके पीछे आप दोनों का विशेष भूमिका है। इसके लिए आज आप दोनों हमारे अभिनंदन के पात्र हैं। और साथ साथ में मैं असम की लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी, मैंने देखा पिछले 100 दिन में दिन रात अपने मेहनत करके असम के अंदर प्रगति का जो एक छवि खड़ा किया है और सारी व्यवस्था में अमूल परिवर्तन लाने में आप सफल हुए हैं। और आज ये जो समझौता हमारे कार्बी आलंग की ग्रुप से होने जा रहा है, ये समझौता के पीछे भी आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार और असम सरकार दोनों सरकार मिलकर हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के मजबूत मेहनती और बहादुर नेता गृहमंत्री अमित शाह जी की मार्गदर्शन में अगले दिनों में हमारे देश के अलग अलग प्रांतों का साथ कार्बी आलंग और असम और नॉर्थ ईस्ट बड़े जोर से एक शक्तिशाली इलाका के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे। इसे शब्दों के साथ मैं फिर से माननीय अमित शाह जी को आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे मौका दिया इस अवसर पर रहने का, क्योंकि मुझे 3 दिन का कार्यक्रम बम्बई में था। जब आपका आदेश मिला तो मैं तुरंत निर्णय किया कि इस अवसर पर मुझे रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली अवसर नहीं है, ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि अशांति जब होता है तो दिल में कितना दर्द पैदा होता है, एक समाज को कितना भुगतना पड़ता है, ये उन लोगों को मालूम होता है जो अशांति के बीच में रहना पड़ता है। और आज उस अशांति को आपने स्थायी रूप से निकाल के शांति व्यवस्था लागू करने में आप इतना महत्वपूर्ण कदम उठाए जो इंसानियत का भूमिका पालन किया, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री असम डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो संबोधन करें। परम
सर्वप्रथम आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, मान्य केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, नित्यानंद राय जी, कार्बी आंलांग ऑटोनोमस काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तुलीराम रंगहांग जी, माय कॉलीग अशोक सिंघल जी, दिलीप सैकिया जी, गृह सचिव, डायरेक्टर आईबी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी असम, सारा मेरा दोस्त जो कार्बी आंलांग से आए हुए हैं, सारा मेरा दोस्त और सारे ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव। पहले ये हमारा स्टेट के लिए बहुत ही आज हिस्टोरिक डे है। हम सब जानते हो कि जब असम एजिटेशन शुरू हुआ, असम एजिटेशन कंक्लूड हुआ इन 1995, लेकिन असम एजिटेशन का साथ साथ दो बड़ा एजिटेशन हुआ, एक बोडोलैंड में सेपरेट स्टेट के लिए और कार्बी आंलांग एंड नॉर्थ कासार डिस्ट्रिक्ट में एक एजिटेशन शुरू हुआ ऑटोनोमस स्टेट के लिए। और वो दोनों एजिटेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर सपोर्ट सारे कुछ असम एजिटेशन से कुछ भी कम नहीं था। असम एकॉर्ड साइन हुआ, फिर ये दोनों एजिटेशन और जोर पकड़ा और असम एजिटेशन का एक समाप्त होने का बाद भी असम को कई साल एक टर्मोइल, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सामाजिक अविश्वास का वातावरण से गुजरना पड़ा। धीरे धीरे वातावरण का परिवर्तन हुआ। 2019 वाज ए हिस्टोरिकल ईयर जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी का आग्रह में एक बहुत बड़ा एकॉर्ड साइन हुआ, बोडोलैंड एकॉर्ड। वो एकॉर्ड इसलिए हिस्टोरिक है कि कोई हम आके एक एकॉर्ड साइन किया शांति हुआ देश में, इसलिए नहीं, बोडो एकॉर्ड में एक बड़ा बात ऐलान कर दिया गया था कि असम का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विल रिमेन इंटैक्ट, और उसी का एक असम का जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी, कल्चरल इंटीग्रिटी का बीच में ही बोडो समाज का प्रगति का रास्ता निकालने का प्रयास होगा। आज बोडो भूमि में कंप्लीट शांति आया। जो लोग थोड़ा सा नाखुश भी था वो लोग भी मुख्य धारा में लौट के आया, और मैं आज ये बहुत ही दावा का साथ बोल सकता हूं कि हमारा जो लोअर असम है जहां बोडो लोग रहते हैं, ये असम का सबसे बड़ा पीसफुल एरिया तक आज ट्रांसफॉर्म हो गया। जब मुझको आर्मी मिलने आया और पूछा कि हम लोग लोअर असम से विड्रॉ करना चाहता हूं, मैं एक मिनट भी समय नहीं लिया, मैं बोला हाँ आप लोग जा सकते हैं, इसलिए आप लोग का जो जिम्मेदारी सरकार ने दिया था अभी वो शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, आप लोग अपना दूसरा काम के लिए आप लोग जा सकता है। इतना पावरफुल एग्रीमेंट था 2019 में। आज हमारा जो दूसरा वर्ग था कार्बी समाज, उसी समय से एक अशांति शुरू हुआ था एक डिमांड को लेके। ये डिमांड जस्टिफाइड भी था, एक्सप्लोइटेशन भी था, समाज में एक पिछड़ापन भी था। आज ये सबको समझने का बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी का आग्रह में एक कार्बी आंलांग एकॉर्ड हम लोग करने जा रहा हूं। इस एकॉर्ड का जो बुनियादी ढांचा है कि पहला बार कार्बी आंलांग ऑटोनोमस काउंसिल में कार्बी और शिड्यूल ट्राइब लोगों को रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। असम में काफी सिक्स शेड्यूल्स था, डिमा हासाओ एंड कार्बी आंलांग, सारा उत्तर पूर्व में सिक्स शेड्यूल है, लेकिन कोई सिक्स शेड्यूल में जनजाति के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था नहीं था। ये एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है जहां में हिल्स ट्राइब को भी एक रिजर्वेशन का मार्ग ये एकॉर्ड से खुलेगा। प्लेन्स में जो कार्बी लोग बसता था, ये लोग ना शेड्यूल ट्राइब हिल्स था, शेड्यूल ट्राइब प्लेन्स था, ये लोगों का एकदम इकोनॉमिकली वो लोग डिप्राइव था। ये एकॉर्ड से
उनको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो बहुत पहले मिलना चाहिए था उनका रास्ता भी खुलेगा। मैं बहुत ही आनंदित हूं, इसलिए असम का दोनों ट्राइबल भाई कार्बी बोडो सारे लोग आज खुश है, मूल धारा में वो लोग लौट के आया और एक साथ मिल के आज असम को सब लोग प्रगति का ओर लेके जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री जी, 2019 में आपने ब्रू एकॉर्ड किया, फिर बाद में बोडो एकॉर्ड किया, दोनों ही बहुत सफल एकॉर्ड रहा और आज हम आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका समक्ष आपका सामने अभी जो कार्बी एकॉर्ड साइन होने जा रहा है इसको भी सफल बनाने के लिए राज्य सरकार का ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। आपका मार्गदर्शन में हम एकॉर्ड में जो भी बात लिखा गया है सबको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा हम लोग कोशिश करेगा। एक विषय रह गया है, कार्बी भाई लोग अपना लैंग्वेज का डेवलपमेंट चाहते हैं, नेशनल लेवल में लैंग्वेज को लेके आना चाहते हैं, असम में कार्बी को एसोसिएट लैंग्वेज वो लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट का विषय अभी भी हम लोग को आगे कुछ काम करना है। तो हम आपसे 6 महीना का समय लेता हूं, हम लोग सारे लोगों से बातचीत करके उस विषय को भी हम लोग निपटा लेगा एक इन एनवायरमेंट ऑफ डायलॉग एंड कंसल्टेशन, उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेगा और कार्बी लैंग्वेज को भी नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए असम का एक एसोसिएट लैंग्वेज बनाने का ओर हम लोग आगे लेके जाएगा। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता हूं, भल्ला जी डीआईबी साहब हमारा एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट सारे लोग ये लास्ट 1 ईयर इस काम में लगे रहे, मैं सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। एक असम शांति का ओर आगे बढ़ेगा इस एकॉर्ड से, असम का लोग हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को हमेशा याद करेगा, हमारा जनजातीय लोग हमेशा याद करेगा कि आपने जो सब लोगों को जैसा प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। और मेरा मानना है कि असम भारत का एक बहुत बड़ा राज्य होकर उभरेगा, ये मैं निश्चित हूं और ये कदम से हम लोग को बहुत बल मिलेगा। गृह मंत्री जी मैं आपको पुनः धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो सभा का मुख्य संबोधन और मार्गदर्शन करें। आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, मोदी जी की कैबिनेट में मेरे साथी और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल जी, जिनको आज से मेन स्ट्रीम में आकर कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के पूरे विकास की जिम्मेदारी लेनी है, ऐसे सभी पांच संगठनों के मेरे कार्बी आंगलोंग से आए हुए प्रतिनिधि भाइयों, यहां पर उपस्थित असम सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, डीआईबी अरविंद शर्मा जी, श्री अक्षय जी, डीजीपी आसाम, चीफ सेक्रेटरी आसाम, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट और उपस्थित सभी को आज मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में बहुत लंबे समय के बाद शांति के युग की शुरुआत हो रही। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उनका नॉर्थ ईस्ट न केवल फोकस का एरिया रहा है, परंतु नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास और शांत और समृद्ध नॉर्थ ईस्ट कैसे बने, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम का अंग रहा है। और इसी के तहत असम में शांति हो, आंदोलन न हो, उग्रवाद न हो, हथियार न चले, गोली न चले और असम की सभी आबादी, पूरी की पूरी आबादी, चाहे पहाड़ पर रहने वाली जनजाति हो, मैदान में रहने वाली जनजाति हो, शहर में रहने वाले लोग हो या गांव में रहने वाले लोग, सभी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास हुआ है 7 साल में। और पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और 2.5 साल से मोदी जी की मंत्रिपरिषद में उनके साथी के रूप में मैं इसको बहुत बारीकी से देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं। आज जो हम कार्बी आंगलोंग एक ऐतिहासिक समझौता जो अभी अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021, ये दिन असम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है। और उनके पुनर्वसन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर, जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। और यही नीति का परिणाम है कि एक के बाद एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्याएं नरेंद्र मोदी सरकार को वारसा में मिली थी उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। जहां तक कार्बी आंगलोंग का सवाल है, हम लगभग असम सरकार 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपया एक क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी, प्रति बजट में 200 करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के साथ वार्ता शुरू करने से पहले ही आपका था कि भी हमारा दिल्ली में कोई भवन नहीं है, इसका शिलान्यास हुआ था, हेमंत जी और सर्वानंद जी दोनों थे उस वक्त, तब मैंने कहा था कि आप एक बार वार्ता को पटरी पर चढ़ाइए, ये हमने एक हमारी ओर से शुरुआत करी। और आज आप जाकर देखिए, भवन का कामकाज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और कुछ ही समय में कार्बी आंगलोंग से आने वाले भाइयों बहनों को दिल्ली में अच्छी रहने की सुविधा मिल जाएगी। और आज जब एग्रीमेंट हो रहा है तब मैं इतना जरूर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है
कि जो एग्रीमेंट को हम करते हैं वो एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन हमारे ही समय में हम पूरा करते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड। चाहे बोडोलैंड का एग्रीमेंट हो, चाहे रू समझौता किया हो, चाहे त्रिपुरा के एनएलएफटी का समझौता किया हो, चाहे कार्बी आंगलोंग का किया हो, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे के तीन समझौते जो हमने करे हैं इसके 80% से ज्यादा शर्तें पूरी हो चुकी है और बोडोलैंड में तो लगभग लगभग सब पूरा हो चुका है। भू समझौतों में भी परसों ही मैंने रिव्यू किया था, लगभग 1200 लोगों का रहने का पूरा व्यवस्था बन चुका है, उनको जमीन आवंटित कर दी गई है, उनको कार्ड दे दिए गए, खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं और 2022 आते आते ये पूरे भ्रू शरणार्थियों का हम फिर से एक बार रहने की व्यवस्था कर देंगे। इसी तरह एनएलएफटी समझौते में भी 100 करोड़ रुपया देना था, उसमें से 40-40 की दो किस्तें हमने दे दी हैं और लगभग लगभग जिस 88 कैडर ने हथियार डाला था उन सबको रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमने पूरा हमारा वादा था वो पूरा किया है। मैं आज पांचों संगठन के जो नेता यहां है उनको और सीएम को दोनों को वचन देना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये सारी शर्तें हम तय किए हुए समय के अंदर ही पूरी करेंगे और लंबा कार्बी आंगलोंग के लिए शांति और विकास का युग का शुरुआत होगा। सशस्त्र समूह के कैडर के पुनर्वास के लिए जो प्रावधान किया है उसकी भी पूरी चर्चा मेरी असम के मुख्यमंत्री महोदय से हो गई है। कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना का भी एक मसौदा हमने तैयार कर दिया है और कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट उसमें जो संशोधन करना है वो अगले ही बजट सत्र में असम सरकार लेकर आएगी, इसमें हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अधिक वित्तीय विधायी और प्रशासनिक शक्तियों देने का जो प्रस्ताव है इसका भी एक खाका लीगल ओपिनियन के लिए गया हुआ है। लगभग ये पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी, कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये पांचों संगठन के सभी कैडर को मेन स्ट्रीम में सम्मान के साथ बसाने की भी योजना तैयार है। लगभग ऑटोनोमस काउंसिल पैकेज के 350 करोड़ की लागत के 32 प्रकल्प ऑलरेडी चालू हो चुके अलग अलग चरण में हैं और कार्बी दिमासा भवन जैसे मैंने कहा था उसका भी काम पुरजोश में चल रहा है और 22 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी आपके क्षेत्र में हमने समझौता होने के पहले ही चालू कर दिए हैं, जो समझौते के मतलब ये बारिश समाप्त होते ही लगभग लगभग पूरे हो गए। और सेंट्रल पूल की एनएलसीपीआर स्कीम के तहत 200 करोड़ के और 20 प्रोजेक्ट 10-10 करोड़ की एवरेज का वो भी आज पैसा उसका आवंटित कर दिया गया है। दीपू में असम पहाड़ी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है, इसका एकेडमिक पहला सत्र भी शुरू हो गया है। बागोरी प्रवेश स्थान पर पर्यटक लॉन्च के विकास के लिए भी काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है। दीपू में कैंसर देखभाल केंद्र का निर्माण का काम चल रहा है, मैं आया था तभी इसका उद्घाटन किया था और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए और मुख्यतः गांवों के विकास के लिए सभी कदम उठाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कटिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, प्रधानमंत्री की निश्रा में ये समझौता हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, असम सरकार और भारत सरकार के गृह विभाग की ओर से आपको संपूर्ण रूप से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप जो भारत सरकार के साथ असम सरकार के साथ समझौता किए हैं ये इस क्षेत्र के शांति और विकास के लिए मुख्य कारण बनने वाला है और समझौते की सारी शर्तों का हम बहुत अच्छे तरीके से समयबद्ध तरीके से पालन करेंगे। मैं फिर से एक बार समझौते के लिए बहुत समय से चर्चाएं हो रही थी, असम सरकार के अधिकारी भी लगे थे, हेमंत जी भी लगे थे, सर्वानंद जी के समय में भी काफी काम हुआ, हमारे
आईबी की पूरी टीम डीआईबी के नेतृत्व में लगी थी और गृह मंत्रालय की टीम अरविंद सर अजय भल्ला जी के नेतृत्व में लगी थी। मैं सबको भारत सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं और ये पांच संगठन के सभी प्रतिनिधियों का विशेष धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके मार्गदर्शन और अथक प्रयासों से आज ये ऐतिहासिक अवसर आया है कि एक कर्बी अंगोंग के काफी कई दशकों से चली आ रही समस्या का निराकरण हो रहा है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री असम डॉ हिमंत बिस्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ सर्वानंद सोनोवाल जी, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ कर्बी अंगोंग ऑटोनॉमस काउंसिल और असम से पधारे सभी जनप्रतिनिधियों का, हमारे गृह राज्य मंत्री जी का और सभी कर्बी गुटों से पधारे रिप्रेजेंटेटिव्स का, केंद्रीय गृह सचिव महोदय का, डायरेक्टर आईबी साहब का और सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आज आप सबके सम्मिलित प्रयासों से एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रही है और हमें आशा है कि आप सब और हम सब मिलकर अब आने वाले समय में इस क्षेत्र में शांति और विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अनुमति से कार्यक्रम समापन की समापना घोषणा करता हूं। धन्यवाद।